अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स ने बीएस कर लिया हुआ है, ग्रेजुएशन उनकी जो है वो 16 ईयर एजुकेशन कम्प्लीट हो चुकी है उनकी। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो वो क्वेश्चन करते हैं कि हमने एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए, एमएस के लिए, तो कौन सा टेस्ट होगा और उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हम बात करने जा रहे हैं एमफिल केमिस्ट्री में एडमिशन लेने की। तो एमफिल केमिस्ट्री में जब एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कौन कौन सा हमें मटेरियल पहले से हमारे पास होना चाहिए, और टेस्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है, क्या टेस्ट मुश्किल होता है, क्या टेस्ट को करते हुए टाइम की शॉर्टेज तो नहीं हो जाती, या फिर ज़्यादातर कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस तो नहीं आते। तो ये सारे जो सवाल आते हैं इनका हम आज जवाब तफसील से देखेंगे। सबसे पहले चीज़ देखी जाए, जैसे कि मैंने बोर्ड पे आपके सब कुछ लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, तो सबसे मज़े की बात जो है वो ये है कि अगर आपने बीएस कर लिया है ना, तो पहले आप ये देखें कि आपका एग्रीगेट क्या बन रहा है। एग्रीगेट क्या होता है? आपकी जो सीजीपीए है, आपने जो बीएस लेवल में ली है वो, और आपने जो टेस्ट के अंदर मार्क्स लेने हैं उन दोनों को मिला के उनकी परसेंटेज निकाली जाती है, जिसकी बिना पे आपका मेरिट बनता है। अब अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में एमफिल केमिस्ट्री में जाने के लिए मेरिट डिफरेंट है। जो नॉर्मली जो सबसे लोएस्ट जो आप कह सकते हैं ना मेरिट है, वो 78% होता है एमफिल में केमिस्ट्री के लिए। तो आपने यही माइंड में रखना है कि आपका 78% से ज़्यादा बनना चाहिए एग्रीगेट। तो पहली चीज़ तो ये रखें, अगर एक बंदा है उसकी जो है वो सीजीपीए 3.5 है बीएस के अंदर, तो अब वो कितने मार्क्स लेगा, ये भी एक कन्फ्यूजन होती है कि सर मैं कितने मार्क्स लूँ टेस्ट के अंदर, जो यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी, एडमिशन टेस्ट लेगी, उस टेस्ट में कितने मार्क्स मेरे आएंगे कि जो है मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ एडमिशन के लिए। तो अगर आपकी 3.5 सीजीपी है बीएस में, तो आपने कम से कम 75 प्लस मार्क्स लेने हैं। 3.5 सीजीपी हो तो 75 प्लस मार्क्स लेने हैं, फिर जाके आपका एग्रीगेट जो है वो 78% प्लस बनेगा। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गई, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सीजीपीए 3.85 है, 3.87 है, 3.8 है, 3.75 है, उनके लिए ये है कि उनके लिए कम से कम जो मार्क्स लेना है वो 60% से ज़्यादा हो। मतलब ये कि 100 में से 60 मार्क्स मिनिमम है जो लें। अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैसलाबाद की जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जीसी यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखा जाए तो इनमें 50% जो है वो टेस्ट में पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आपने टेस्ट को पास करने के लिए 50% मार्क्स हैं। अगर आप टेस्ट में मार्क्स जो हैं 50% से कम लेते हैं तो आप सेल्फ पे भी नहीं कर सकते, फिर तो आप एडमिशन ले ही नहीं सकते। तो 50% आपने मार्क्स लेने ही लेने हैं टेस्ट के अंदर 100 में से। और दूसरी जो चीज़ बता रहा हूँ कि 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है, लेकिन 50% मार्क्स लेकर एडमिशन आपका हो जाएगा ये डिपेंड नहीं करता। 50% अगर आपके मार्क्स हैं ना, तो आपने क्वालिफाई कर लिया है एडमिशन के लिए, अब आप सेल्फ पे ले सकते हैं, लेकिन जो मेरिट बनेगा वो आपकी सीजीपीए और आपके टेस्ट में मार्क्स की एग्रीगेट से बनेगा। अगर आप देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर आपकी 3.75 सीजीपीए है तो आपने कम से कम 62-63 प्लस मार्क्स लेने हैं, फिर जाके आपका मेरिट में नेम आ सकता है। और मेरिट तो वैसे चेंज होता रहता है, लेकिन ये मैं नॉर्मल कंडीशंस बता रहा हूँ। अब पहली बात करते हैं केमिस्ट्री, एमफिल केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट की प्रेपरेशन है वो कैसे करी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम बीएस लेवल पे होते हैं तो हम साथ साथ टीचिंग भी कर रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं वो फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में चले जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपने अपना टेस्ट जो है एमफिल के लिए, जो टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं उसकी प्रेपरेशन करनी है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है आपकी जो इंटरमीडिएट लेवल की केमिस्ट्री की बुक है वो आप अच्छी तरह उसको पढ़ लें। अब केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं एफएससी की, वो तो बहुत लेंथी हैं, उनमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, बाकी जो हैं वो आमतौर पे उस टेस्ट में नहीं आते। जैसे कि अगर बात की जाए इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सेकंड ईयर में, वो काफ़ी हद तक नहीं आती टेस्ट में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये मेजर पार्ट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है जो टेस्ट में आता है वो फिज़िकल केमिस्ट्री से आता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है वो सारी की सारी फिज़िकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, थर्मो केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा मिक्सचर है, आप वो वाली जो केमिस्ट्री है उसमें फिजिकल के कुछ पोर्शंस कर लें, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ लें, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री लें, उसमें चैप्टर वन जो है मोल, ये सारी चीज़ें जो आप उसमें पढ़ लें, एनालिटिकल केमिस्ट्री उसमें आती है,
उसके अलावा आप फिज़िकल केमिस्ट्री के उसके अंदर जो फिज़िकल के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लें, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें जो हैं। उसके अलावा कुछ रूल्स आते हैं, कुछ लॉज आते हैं, वो आपने लॉज भी इनको डीपली देख लेना है। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो है तकरीबन सारी की सारी जो है वो करनी है आप लोगों ने। ये नहीं है कि आप उसको बस आप एक दो बार रीड करें और अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि दूसरा जो दूसरी बुक है सेकंड ईयर की, उसका आप ये करें उसके अंदर तीन पोर्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इतना ज़्यादा फोकस ना करें, पहला चैप्टर पढ़ लें और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं आप उनका एक चैप्टर पढ़ लें, सही है, पहले छः चैप्टर्स के अंदर से, यानी कि पहला चैप्टर पढ़ लें और चौथा चैप्टर पढ़ लें। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये है कि आप आ जाते हैं सेकंड ईयर की किताब के अंदर चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड। चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड आपने सारा पढ़ना है, आपने उसके अंदर अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स और जितना भी इस तरह का मटेरियल आपने डिस्कस करना। उसके बाद लास्ट पे कुछ चैप्टर हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के और बायोकेमिस्ट्री के, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ लें, और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो पढ़ लें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर है। तो फर्स्ट जब आपने इन दोनों बुक्स को, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की बुक्स को थॉरली पढ़ लिया होगा ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसके अंदर 50% प्लस मार्क्स ले सकते हैं बिला वजह। आप इसके अंदर 60 मार्क्स भी स्क्योर कर सकते हैं अगर आपने बहुत डीपली फर्स्ट ईयर की बुक्स को पढ़ा है। अब दूसरी बात ये आती है कि वो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो इस पर बिलीव नहीं करते, वो आप कह लें कि रिस्क नहीं लेते कि हम फर्स्ट ईयर की बुक्स पर नहीं रहना। उसके अलावा कुछ बुक्स हैं जो आप बीएस लेवल पर पढ़ के आए हैं, बीएस लेवल में थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने किताबें पढ़ी हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, यानी कि एक, दो, तीन, चार सेमेस्टर तक जो आपने बीएससी लेवल की जो बीएस के अंदर किताबें पढ़ी हैं उनमें मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है। आप क्या करें, आप फिज़िकल केमिस्ट्री जो है बीएस लेवल की कोई भी ले लें, मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। उसके अलावा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएस लेवल की कोई भी ले लें। अब यहाँ पे देखें, आप अगर बात की जाए तो आपको थोड़ी सी मैं बुक्स यहाँ पे दिखाता हूँ जो मैंने बीएस लेवल पे पढ़ी थी। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बुक है फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो फिज़िकल केमिस्ट्री की ये है चौधरी सनाउल्ला की, ये बीएससी लेवल की, आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं आपने वो पढ़ने हैं। तो सिलेक्टिव टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हैं वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप गैसेज़ के बारे में पढ़ लें, लिक्विड्स के बारे में पढ़ लें, सही है। उसके अलावा सॉलिड्स क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स इतना ज़्यादा नहीं आता, आप इसमें बोहर थ्योरी कर लें, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ लें, आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लें, उसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन कर लें। मतलब जो आपने इस बुक में से अपने सेमेस्टर के अंदर पढ़ा है ना वो काफ़ी है। उसके बाद दूसरी बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप बीएससी लेवल की एक बुक है चौधरी ग्लामर सूल की बुक मैंने पढ़ी थी, और इसके अलावा और भी बुक्स थी लेकिन मैं ये जनरल बता रहा हूँ। ये बुक है, इसके आप सेलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं जो आपने बीएस में अपने सेमेस्टर के अंदर पढ़े हैं सिर्फ आपने वही डिस्कस करने हैं। तो उसके अलावा कुछ नहीं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। उसके अलावा आप क्रोमैटोग्राफी थोड़ा सा कर लें, स्टीरियो आइसोमरिज्म का आपको पता हो, मतलब आइसोमरिज्म आपने उस पर फोकस करना है। उसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन्स को और एरोमेटिक कंपाउंड्स को, बस ये थोड़ा सा टॉपिक आपने डिस्कस कर लेने हैं ऑर्गेनिक के अंदर। इसके अलावा और भी थोड़ी सी बुक्स हैं, अगर आप मास्टर लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो एमएससी लेवल की या बीएस लेवल की, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने वही टॉपिक जो हैं वो उसके, अगर आप बीएससी लेवल तक बुक्स पढ़ ली हैं ना, पहले चार सेमेस्टर तक जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, अगर आपने उन बुक्स के अंदर सेलेक्टिव टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो कर ली है ना, तो आपका 75 प्लस मार्क्स लेने का पक्का चांस है, इसमें कोई कमी नहीं आ सकती। और अगर आपने अच्छी तरह पढ़ी हैं, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हैं, आपने एमएससी लेवल की भी बुक्स पढ़ ली हैं और एडवांस बुक्स भी पढ़ ली हैं अपने कॉन्सेप्ट को आपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ बुक्स थी जो कोर्स में हमने पढ़ी हैं। अगर आपने बीएस जो है वो अच्छी तरह किया है, मेहनत करके और सॉलिड तरीके से पढ़ा है, आपको याद है, आप पढ़ा रहे हैं कहीं पे किसी जगह पे, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप 50, 55, 60 मार्क्स बिला वजह ले सकते हैं पढ़े बगैर। अगर आपको एफएससी आती है और बीएस के जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरह आती हैं, स्पेशली फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ये चीज़ें आपने अगर पढ़ी हैं। उसके अलावा कुछ जो हैं वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमसे ये बुक्स नहीं पढ़ी जाती, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना माइंड भी नहीं है कि हम सारी की सारी बुक्स पढ़ें। तो ऐसा करें कि हमें कोई सिलेक्टिव बुक्स बता दें जो सिर्फ टेस्ट प्रेपरेशन के लिए बनी है। तो उसके लिए भी एक हल है, टेस्ट प्रेपरेशन के लिए मैं यहाँ पे तीन बुक्स आपके सामने लाया हूँ, आप वो बाज़ार से मार्केट से मिल जाएंगी, और अगर कोई फॉरेनर बुक है तो वो आपको उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। और सबसे पहली बात की जाए तो जो सबसे फेमस बुक है जो पाकिस्तान में फैसलाबाद में चलती है वो है मल्टीपल चॉइस MCQs इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री, ये बुक का टाइटल है और ये एच एन भट्टी
प्रोफेसर एच एन भट्टी साहब ने लिखी है, कार्वन जो है पब्लिशर्स हैं इसके, सही है। तो ये बुक आप ले सकते हैं, इसकी प्राइस तकरीबन 350-375 रुपीज़ है और मार्केट से इजीली मिल जाएगी। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ ही हैं। अब दूसरी बात ये है, ये एक दूसरी बुक है, ये फॉरेन बुक है, एमसीक्यूज़ इन केमिस्ट्री बाय गोल्डन बेल्स। तो ये बुक जो है ये भी बहुत अच्छी है, ये भी एडवांस केमिस्ट्री है, इसमें हर चीज़ आ जाती है। अगर आप इसके भी एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ये है। उसके बाद जो है ए लेवल केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ बाय अरशद इकबाल, तो ये भी अरशद इकबाल की तरफ से ए लेवल केमिस्ट्री की बुक है। और ये आप तीन बुक्स जो हैं इनको आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लेकिन ये है, मैं आपको फिर रेकमेंड करूँगा, बुक्स को रेकमेंड नहीं कर रहा मैं। जो रेकमेंडेशन आपको पहले दी है कि आप जो है टाइम अभी आपके पास है, एक मंथ है, हाफ मंथ है, तो आप अच्छी तरह एफएससी की बुक्स को अच्छी तरह पढ़ लें, उन बुक्स को पढ़ने के बाद आप इन बुक्स पर आएँ। जब आप उन बुक्स को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इन बुक्स पर आएँगे ना, तो फिर आपको इन एमसीक्यूज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप अपनी केमिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत बुक्स मिलती हैं चेक योर केमिस्ट्री के नाम से, और ग्रे टेस्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारी केमिस्ट्री के ऊपर बुक्स बनी हुई हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक है, मैंने पहले नंबर पर लिखी हुई है, यही बुक लोग लेते हैं और इसी बुक को पढ़ के वो तकरीबन 65-75 मार्क्स ले जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपने लाजमी एफएससी के बुक्स को पढ़ना है, उसको आपने स्किप नहीं करना। वो जो है वो बेसिक केमिस्ट्री है, वो आपने लाजमी पढ़नी है और सारे के सारे टेस्ट में जो है वही आती है मोस्टली। उसके अलावा 5-10% जो है क्वेश्चन एडवांस केमिस्ट्री से आएंगे, बाकी सारे के सारा एफएससी का मटेरियल ही आता है। उसके अलावा ये वाली बुक जो है रेकमेंड करूँगा मैं, उसके अलावा ये जो है गोल्डन बेल्स की बुक जो है रेकमेंड करूँगा। ये जो बुक है ये भी आपको मार्क्स तो ला सकती है, लेकिन आपको सारे के सारे, आप अगर आप 85% प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर रेकमेंड नहीं कर रहा मैं। तो अगर आपने मार्क्स ज़्यादा गेन करने हैं तो एफएससी की बुक्स पढ़ें, बीएस के जो मैंने सेलेक्टिव टॉपिक्स बताए हैं उनको डिस्कस कर लें, एक हफ्ते में सारा हो जाएगा, एक डेढ़ हफ्ते में, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है या पढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये बुक परचेज़ करें और इसको रीड करें, आपकी जो केमिस्ट्री भी टेस्ट हो जाएगी कि आपने एफएससी के ऊपर कितनी ग्रिप है, बीएस लेवल पे कितनी ग्रिप है, और आपकी जो है प्रेपरेशन भी अच्छी तरह हो जाएगी। उसके अलावा आपने क्या करना है कि टेस्ट में, अब अगला जो क्वेश्चन आता है, ये हम टेस्ट में बैठ गए हैं, प्रेपरेशन फुल है, टेस्ट कैसे दिया जाए। तो टेस्ट में जब हम बैठे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको एमसीक्यू आता है उसको मार्क कर लें, और जो नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप पेंडिंग कर दें। और इस तरह जो जो आपको आ रहा है एमसीक्यू उसको टिक कर दें, जिसमें ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है वो बाद में कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके टाइम की बचत होगी और आप बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं उनका टाइम उस एमसीक्यूज़ पर नहीं लगाएंगे। तो ये है, आप इंशाल्लाह आप 85% प्लस मार्क्स ले सकते हैं अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करेंगे, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने बीएस कर लिया हुआ है उनके साथ शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।